हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद हाशमी है। मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करा रहा हूँ एक्सट्रीम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारी तीसरी क्लास है विजुअल कम्युनिकेशन और टाइपोग्राफी की। तो इसको समझने के लिए बेहतर ये है कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयरिंग कर लें, क्योंकि विजुअल से रिलेटेड बात है तो वो स्क्रीन पर और विजुअली देख के ही ज़्यादा अच्छा समझ आ सकता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने एक ये टॉपिक का हेडलाइन टाइटल डाला हुआ है, विजुअल कम्युनिकेशन और टाइपोग्राफी। सबसे पहले विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग बैलेंस को डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन बैलेंस कैसे लगता है। उसके अंदर बैलेंस तीन टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है और रेडियल सिमेट्री बैलेंस होते हैं। सिमेट्रिकल और रेडियल आपको नेचर में भी नज़र आ जाएंगे, जैसे कि सिमेट्री आप किसी दरख्त को देख सकते हैं कि उसकी बोथ साइड दोनों शाखें इक्वल हैं, राइट साइड की भी और लेफ्ट साइड की भी। ह्यूमन की एग्जांपल ले सकते हैं, हम इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें तो बोथ साइड एक जैसी बनाई है, दो आंखें हैं राइट और लेफ्ट, दो हाथ है राइट एंड लेफ्ट के, तो वो टोटली बैलेंस्ड है, तो एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। सही है, ये हम लोग डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं। सही है, और रेडियल भी आप देख चुके हैं कि जैसे कि कोई फ्लावर हो गया, या आपने एप्पल को वर्टिकली काटा या हॉरिजेंटली काटा बेसिकली, तो आपको उसके अंदर एक शेप नज़र आता है, वो रेडियल शेप आता है। या ऑरेंज को आप काटते हैं तो उसके अंदर जो एक शेप बनता है पाखों का, तो वो भी एक रेडियल डिज़ाइन की एग्जाम्पल हो गई है। ये भी हम लोग डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। ये सिमेट्रिकल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये बेसिकली शेड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। दो बड़े शेप्स को कंपेयर किया जाता है उसके साइज से, कभी कभी उसके डेपनेस से कवर किया जा रहा होता है। तो ये सब आपको मैं एग्जांपल्स में दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सारी बैलेंसिंग किस तरह की होती हैं। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ये हमारी पहली आ गई है सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर हमारे पास कुछ मजीद कैटेगरी आती हैं, उसकी टाइप्स हैं जो जिसको हम लोग सिमेट्री कह सकते हैं। जिसमें है कि एक सिंगल एक्सिस बेस है, कि बेसिकली अगर वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और वर्टिकली वो हाइट पे जा रहा है, तो उसके सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी तकरीबन उसी हाइट पे और उसी वेट के हिसाब से नज़र आ रहा है, तो ये सिंगल एक्सिस सिमेट्री डिज़ाइन बन गया। उसी तरह डुअल एक्सिस के अंदर यही आ गया कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर है और आपके पास वाई एक्सिस के भी रेक्टेंगुलर है। ये मोस्टली आप कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ होता है तो वो इस तरह के शेप का लुक जनरेट कर रहा होता है, वो भी सिमेट्री में बन रहे होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिरर और रिफ्लेक्टिव किस्म के सिमेट्रीज। जैसे कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया एरो टाइप या कुछ इस तरह का शेप जो बिल्कुल ही रेसिप्रोकल इनवर्ट या रिफ्लेक्ट कर रहा हो दूसरी साइड पे दूसरे डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम लोग मिरर या रिफ्लेक्टिव सिमेट्री भी बोलते हैं। चौथी टाइप हमारे पास डायगनल आ गई है, जैसे कि आपके पास कोई घर पे कोई कारपेट है या मैट है, तो मैट के चारों कॉर्नर एक ही जैसे डिज़ाइन के बने हुए होते हैं, एक ही रिदम में चल रहे होते हैं या एक ही स्टाइल के अंदर। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, चार डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन ट्राइंगल एक ही है और ये 90 डिग्री के हिसाब से मूव होता चला जा रहा है, टिल्ट होता चला जा रहा है, तो ये भी एक सिमेट्री डिज़ाइन की एग्जाम्पल आ गई है। सही, अब आ जाते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल की एग्जांपल्स देखने के लिए। एसिमेट्री आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं कि जैसे कि एक बड़ा सा सर्कल है जो बैलेंस आउट कर रहा है तीन छोटे सर्कल के साथ मिलके, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस तरह के भी डिज़ाइन एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो शेड बेस होते हैं, जैसे कि ये बॉल बड़ा है लेकिन इसका शेड लाइट है एज़ कम्पेयर टू इस बॉल के, इस सर्कल के, इसका शेड डार्क है और ये छोटा है, तो ये इस तरीके से जो बैलेंसिंग होती है इसको एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग कहते हैं। ये डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। जैसे कि अगर सपोज करें ये आपके प्रोडक्ट की तस्वीर आ गई, ये इसके एक्सेसरीज आ गए, जैसे मोबाइल आपने दिया तो उसके हेडफोन्स जैक वगैरह बैटरी वो आपने एक साइड पे दिखा दी, तो ये एक बैलेंस्ड पोस्टर बन सकता है या एड बन सकता है इस तरह से। और आगे मजीद मैं इसकी आपको एग्जांपल्स भी दिखाता चलूंगा तो आपको और अच्छा क्लियर समझ में आने लगेगा। एक इस तरह की भी एग्जांपल है कि जैसे कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बड़े साइज का बच्चा एक छोटे साइज का बच्चा है, लेकिन ये तराजू पे बैठे हुए हैं, ये बैलेंस्ड है, टोटल बैलेंस्ड सीसॉ हुआ हुआ है। अब देखने में तो दो, एक बड़ा बच्चा एक साइड पे बैठा है, एक छोटा बड़ा है, लेकिन ये क्योंकि एक्सिस से करीब है तो इसका वेट
कंपैरिजनली इसके डिस्टेंस के हिसाब से बैलेंस हो रहा है और दोनों को इक्वल इक्वल कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए कि एसिमेट्रिकल डिजाइन किस तरह के होते हैं। फिर हमारे पास फोटोज के अंदर भी इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं जिसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ कलर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर भी यूज होता है। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार कप है, यहाँ पे सिंगल कप है, लेकिन आपकी आईज की जो लुक, आईज जिस तरह मुड़ रही है वो इस कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से राइट साइड पे जा रही है, हालांकि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर चार कप्स हैं, चार डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन ये डल है एज कम्पेयर टू दिस दिस कप। तो ये भी एक बैलेंस कर रहा है डिजाइन को। ये एसिमेट्रिकल ज्यादातर आपको कोशिश करता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आपकी पहले निगाह ले जाए और फिर उसको बैलेंस करे दूसरे इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट के साथ। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है इसकी भी। और फिर आप एक और फोटोग्राफी भी देख सकते हैं किसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि एक बॉल है जिसके अंदर बहुत सारी चेरीज पड़ी हुई है, लेकिन ये बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा फेड आउट हुआ हुआ है और बैकग्राउंड के अंदर है तो वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा है। सही है। तो ये एक वो जैसे ग्रे वाली तस्वीर भी दिखाई थी उस तरह का एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट हाई है और ये बहुत शार्प है, फ्रंट ग्राउंड के फोरग्राउंड के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो ये इन दोनों को आपस में बैलेंस कर रहा है और ये पूरी इमेज कॉन्सेंट्रेट कर रही है इस प्रोडक्ट के ऊपर, फिर सेकेंड ऑप्शन पे आप इसकी तरफ आपकी निगाह जाती है। तो ये भी एक सिमेट्रिकल एग्जाम्पल आ गई है आपके पास। और भी बहुत सारी हैं, वो आप नेट पे भी देख सकते हैं। मैं अब आपको रेडियल का थोड़ा दिखा देता हूँ। रेडियल नेचर में बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसकी कुछ एग्जाम्पल ये हैं जो आप देख सकते हैं। फ्लावर हो गया, स्टार फिश हो गए, स्नोफ्लेक का डिजाइन आ गया जो एक ज्योमेट्रिकल बैलेंस्ड है रेडियल स्टाइल के अंदर। ये आपका ऑरेंज आ गया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था रेडियल की एग्जांपल के अंदर। उसके बाद पे ये आपके जूम इन किए हुए पत्ते और फूल के एग्जांपल्स भी हैं रेडियल डिजाइन के अंदर। अब रियल लाइफ में मतलब कुछ लोग इस तरह के जैसे डिजाइन बनाते हैं जो रेडियल बेस होते हैं, ज्योमेट्रिकल नजर आ रहे होते हैं, ये भी एक रेडियल सिमेट्री की एग्जाम्पल देते हैं, बैलेंस आउट करते हुए दिखा रहे हैं। इसमें आपको मूवीज के कुछ पोस्टर्स भी दिखेंगे इस तरह के, जैसे 007 के एक ये गन गन का होल दिखा रहे होते हैं इस तरह सर्कल के अंदर, उसमें से एक बंदा चलता हुआ आ रहा होता है। तो ये भी एक रेडियल डिजाइन, रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल हो गई है। फिर आपके पास एक ये भी पोस्टर है, इसके अंदर ये खातून का बालों को इस तरह से सेट किया हुआ, इस तरह सर्कल के अंदर फिट किया हुआ, साथ में इधर फ्लोरल भी यूज किए हैं। तो ये भी एक रेडियल डिजाइन की एग्जाम्पल हो गई, एक ये इस तरह की रेडियल डिजाइन की एग्जाम्पल हो गई। इस वाले पोस्टर में खास बात ये भी है कि इसके अंदर रेडियल डिजाइन भी आपको दिख रहा है, रेडियल सिमेट्री भी दिख रही है और आपको एसिमेट्री भी दिख रही है। एसिमेट्री कैसे दिख रही है कि पूरे बैनर के अंदर उन्होंने रेड कलर यूज किया है और कॉन्सेंट्रेशन के लिए लाइट और डार्क शेड यूज की गई। डार्क फुल आपको सेंटर में कन्वर्ट कर रहा है, आपकी निगाहों को यहाँ लेकर जा रहा है और बैकग्राउंड में पूरा रेड है। तो आप जहाँ जहाँ मजीद रेड से ज्यादा डार्क शेड है जैसे कि पूरा ब्लैक दिख रहा है तो उसके ऊपर आपकी एक अलग से कॉन्सेंट्रेशन जा रही है सेंटर से होते हुए नाम की तरफ और नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह की तरफ। तो ये इसमें एसिमेट्री भी इस्तेमाल हो रही है और रेडियल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपकी हो गई रेडियल के एग्जाम्पल्स। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, विजुअल कम्युनिकेशन के कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जो एम्फेसाइज करता है किसी एक पोजीशन के ऊपर। एसिमेट्री के अंदर भी हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। आए हम लोग चलें तो कुछ एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट कैसे कैसे होते हैं। एक ये बहुत अच्छी एग्जांपल है पेंटिंग की, डिजिटल पेंटिंग, जिसके अंदर ऑपोजिट कलर कॉन्ट्रास्ट यूज किया है दिन और रात का, ऑरेंज वर्सेस ब्लू, ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट कलर भी कहलाते हैं और बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन भी कहलाती है, कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन के अंदर यूज होते हैं। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। फिर ये एक आप एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने बैकग्राउंड के डार्क ब्लू के साथ लाइट कॉन्ट्रास्ट ब्लू यूज किया है जिसके अंदर वो कुछ लेमन्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके भी अगेंस्ट उन्होंने एक और कॉन्ट्रास्ट कलर यूज कर दिया जो ओरिजिनल लेमन पर येलो कलर है। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपकी कॉन्सेंट्रेशन इस लेमन के ऊपर जा रही है जो कि इन तमाम लेमन से अलग दिख रहा है, यूनिक दिख रहा है। सही है। तो ये उठ के आ रहा है ब्लू
कलर बैकग्राउंड ब्लू लेमन्स के बीच के अंदर। तो ये भी आप अपने प्रोडक्ट को किसी जगह इस तरह से शो करा सकते हैं। इसकी बहुत सारी मजीद आपको एग्जाम्पल आगे चल के देखने को मिल सकती हैं। ये भी एक नेचुरल है इस तरह का, जिसमें कलर कॉन्ट्रास्ट को समझा जा सकता है कि एक येलो फ्लावर की फील्ड है, उसके अंदर एक आपका रेड कलर का फ्लावर नजर आ रहा है, तो पूरी देखते हुए एकदम से आपकी नज़र इस रेड फ्लावर की तरफ रुक रही है, अलग कॉन्ट्रास्ट में नजर आ रहा है। तो ये नेचर में भी आपको देख सकता है। सही है। एक ये ऑरेंज वर्सेस ब्लैक की एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको मिरर सिमेट्री भी दिख रही है साथ साथ। सही है। और आपको कलर कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है इसके अंदर, ये अच्छी एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक टीवी सीरीज है मैड मैन के नाम से, तो उसकी एक ग्राफिक किसी ने बनाई है, जिसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल सिमेट्री के और कॉन्ट्रास्ट के आपको दिख सकते हैं। जैसे कि इसमें ऑपोजिट कलर दिखाए हैं, टोटल बिल्कुल सेंटर से डिवाइड किया है, जिस जगह उनको कॉन्सेंट्रेशन लगानी है उधर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट कलर यूज कर लिया मैन के ऊपर और लड़की के ड्रेस के ऊपर। सही है। बाकी आपस में भी ये क्या नाम है, सिमेट्री हो रहा है, मिरर सिमेट्री हो रहा है। प्लस आपके इसके अंदर एक ए सिमेट्री का भी एग्जाम्पल आ रही है कि भाई इसके अंदर आपके जो कलर कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ आपने कॉन्ट्रास्ट में लड़की को दिखाया और उसी कॉन्ट्रास्ट के अंदर आपने एक लड़के को भी दिखा रहे हैं साथ साथ। तो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं। सही है। सवाई रेडियल के ये आपकी पूरी सिमेट्री समझ सकते हैं इस डिज़ाइन के अंदर, जो बैलेंस कर रही है इस पूरे डिज़ाइन को। अच्छा, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कलर्स में नहीं होते, कॉन्ट्रास्ट शेप्स के अंदर भी होते हैं। तो इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल एक ये है कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न डिज़ाइन है, जैसे कि बॉक्स चल रहा और एकदम से एक डायमंड शेप आ जाता है, तो ये भी इसका भी मकसद यही होता है कि ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है बाकी डिज़ाइन के अंदर, आपको एक चीज़ को यूनिक करके दिखा रहा है। तो ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। फिर आप एक सर्कल के अंदर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सारे सर्कल एक साइज के हैं और एक पर्टिकुलर सर्कल इन तमाम सर्कल से एक अलग यूनिक साइज में दिख रहा है, तो फौरन से आपकी कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे जा रही है। ये इस पॉइंट ये गोल्डन पॉइंट भी कहलाता है कि यहाँ पर आप अपनी वो प्रोडक्ट या वो चीज़ रख सकते हैं जहाँ जिसके ऊपर आपको अपनी मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का पर्पस हो। तो ये भी डिज़ाइन है, एक यूज होता है डिज़ाइन स्ट्रेटजी के अंदर, बैलेंसिंग के अंदर। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैड कॉन्ट्रास्ट। इसमें क्यों बैड कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जो बैकग्राउंड का कलर है वो उसी ही कलर का इन्होंने टेक्स्ट लिखा है जो कि फेड इन हो रहा है या फेड आउट होता चला जा रहा है इसके अंदर। तो पर्पस ये नहीं होता, पर्पस ये होता है कि भाई आप कोई भी कलर आप यूज कर रहे हो बैकग्राउंड के तो उसको ऐसा टेक्स्ट कलर यूज करें कि उसमें बहुत क्लियरली वाजे वो लेटर्स आप पढ़ सके, वरना तो वो फ्लॉप है, लाइट हल्की कम होगी, टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये भी एक गुड कॉन्ट्रास्ट और बैड कॉन्ट्रास्ट की एग्जाम्पल हो गई। ये एक बैड कॉन्ट्रास्ट की एग्जाम्पल है, उसी तरह जैसे वहां पर रेड यूज हुआ था, यहाँ पे इन्होंने ग्रीन से टेक्स्ट लिखा है ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर, तो पूरा का पूरा दब गया इसके अंदर। सही है। एक और टेक्स्ट की एग्जाम्पल देख लें कि भाई यहाँ पे ब्लू पे व्हाइट एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ग्रीन के ऊपर रेड डार्क रेड बुरा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस सब चीज़ों का हम लोग ख्याल रखते हैं, इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट डिजाइनिंग में, तो ये भी आपके डिज़ाइन को एक अच्छा लुक और बैलेंस दे देता है। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर थीम एंड रिदम इन डिज़ाइन। सही है। ये भी बेसिकली एक रिदम को ही डिस्कस करने की बात है, कॉन्ट्रास्ट जैसे हो गया या बैलेंस हो गया, लेकिन ये इसकी थोड़ी एडवांस फॉर्म है कि भाई कोई भी चीज़ आप दिखाने जा रहे हैं तो वो कोई चीज़ बना रहे हैं पैटर्न के अंदर, तो आपको नज़र आना चाहिए कि भाई वो चीज़ यूनिक है। कैसे यूनिक है कि उसकी एक थीम है, वो एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सही है। उसके अंदर सबसे पहले चीज़ आ जाती है हमारे पास पैटर्न, जो कि उसको रिपीटेशन भी कह सकते हैं। पैटर्न और रिपीटेशन किस तरह की होती हैं उसकी भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। असल में ये होती क्या चीज़ है उसको क्लियरली इस वर्ड में समझ सकते हैं कि एक लिंक या एक कनेक्टिविटी डिज़ाइन के अंदर, एक पोस्टर बनाया दूसरे पोस्टर के साथ उसकी कोई लिंकिंग आ रही है या कनेक्टिविटी शो हो रहा है। सही है। सिमिलैरिटी नज़र आ रही है उसके अंदर, स्टाइल की सिमिलैरिटी है, तो इनडायरेक्टली आप उसको ये भी कह सकते हैं कि सेम फैमिली मेंबर लग रहा है, यानी हल्का हल्का कुछ ना कुछ टच पुराने वाले डिज़ाइन के साथ साथ आ रहा है। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज, ब्रांडिंग,
सही है। जैसे आपने कोई किसी कंपनी के लिए कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, तो उस कार्ड की ही स्टाइल का आपने ब्रोशर्स बनाए हैं, उसी कार्ड के स्टाइल के आपके लेटर हेड हैं, एनवलप हैं, तो एक साथ रखते हैं तो फौरन से आपको दिख के ना कि भाई ये एक ही फैमिली को, एक ही थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के रिदम को हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग किसी की ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे होते हैं या किसी की थीम जनरेट कर रहे होते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल वर्डप्रेस की वेबसाइट की थीम्स भी होती हैं। सही है। जैसे कि अगर कोई हॉरर थीम है तो पूरी वेबसाइट हॉरर बेस डिजाइन में कन्वर्ट हुई भी होगी, उसका एक एक बटन, एक एक टेक्स्ट उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये एक हॉरर थीम को फॉलो कर रही है। उसी तरह किसी बच्चों की वेबसाइट है तो उसके फॉन्ट से लेके उसकी तमाम कलर सब कुछ वो प्रेजेंट कर रहा होता है कि ये बच्चों से रिलेटेड चीज है। तो वो बेसिकली थीम और रिदम वो उस चीज को फॉलो करवा रहा होता है। इसकी फिजिकल एग्जाम्पल भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप ने नोट किया होगा डेफिनेटली, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, कोई सभी एप्पल प्रोडक्ट आप उठा के देख लें तो आपको उसमें एक रिदम नजर आएगा, एक स्टाइल, एक फैमिली फॉलो होते हुए नजर आ रही होगी। जैसे आप छुट्टिया बोलेंगे कि हाँ यार, जैसे कि आईफोन का जो लुक है वो काफी हद तक आई मैक के लुक से मिलता हुआ है, जैसे पता चलता है कि यार यहाँ एक ही कंपनी ने ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाए हैं, या आईपॉड हो गया, आईफोन हो गया, तो ये सारे के सारे आपस में कहीं ना कहीं डिजाइन में, लुक्स के अंदर सिमिलर नजर आ रहे होते हैं। उसी तरह आपके BMW की गाड़ियां हो गई हैं, आप पुराना मॉडल उठा के देखें या नया मॉडल उठा के देखें, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक बेसिक सिमिट्री नजर आ रही होगी, एक बेसिक रिदम नजर आ रहा होगा जो बता रहा होगा कि ये एक ही फैमिली की कार है, एक ही कंपनी की कार है। उसी तरह गूगल के प्रोडक्ट्स हो गए जितने हैं, तो उसके जो कलर थीम जो गूगल यूज करता है तो वो उसकी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की झलक आपको नजर आती है, जो इंडिकेट करती है कि गूगल से रिलेटेड ही कोई चीज है। अब इसकी एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको और अच्छा इसमें क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे कि आप ये रिदम देख सकते हैं कि ये एक नेचुरल डिजाइन है, जो तालाब के अंदर इस तरह के जो पौधे उगते हैं तो उसके अंदर आपको एक नजर आ रहा है, कंफर्टेबिलिटी नजर आ रही है। सही है। एक तरह से आपके टेलीफोन के वायर की एक रिदम चल रही है कलर्स की, और एक ही स्टाइल के रिंग्स बनती हुई नजर आ रही हैं, ये एक रिदम फॉलो हो रहा है। ये मूवमेंट का है, ये डिजाइन है कि एक एक साइड पे मूव हो रही है, सारी लाइनें एक ही तरीके से एक डायरेक्शन की तरफ फॉलो की जा रही है। एक ही एग्जाम्पल हो गई। अब इसमें आ जाता है पैटर्न रिदम के साथ। अब जैसे कि किसी गिफ्ट पैक्ट है, उसके ऊपर इस तरह का एक रैपर चढ़ा हुआ है जिसके अंदर इस तरह के सर्कल्स बने हुए हैं जो कि कॉम्बिनेशन है बिग एंड स्मॉल के, और एक कलर ग्रेडिएंट यूज हो रहा है, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है किसी चीज के अंदर। उसी तरह एक ये भी पैटर्न है, ये आपके मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये डिजाइन यूज होते हैं, इस तरह के पैटर्न रिलेटेड जो कि पूरे शर्ट पैंट्स के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बता रहा होता है कि यार ये एक ही प्रोडक्ट है, एक ही मैचिंग करता हुआ प्रोडक्ट है। तो इसकी भी एक एग्जाम्पल आ गई। फिर इसके अंदर एक और चीज आती है रिपीटिशन, के हर थोड़े देर के बाद वही डिजाइन, वही पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, और डिफरेंट तरीके से रिपीट हो रहा होता है, एकदम से आपका आइडिया नहीं हो पा रहा होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि हाँ यार इसमें कुछ चीज रिपीट आ रही है, जैसे कि इन पैटर्न के अंदर स्ट्रिप्स रिपीट होती चली जा रही हैं, हर डिजाइन के अंदर आपको एक स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं। कलर हालांकि डिफरेंट है, बहुत जगह तो स्ट्रिप्स के कलर भी सिमिलर यूज हुए हैं, तो ये एक स्ट्रिप पैटर्न रिपीटेशन की एग्जाम्पल हो गई, ये फ्लोरल की रिपीटेशन की एग्जाम्पल हो गई। सही है। रिपीटेशन को और इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप मॉल्स वगैरह में गया, कोई प्रोडक्ट रखा हुआ एक लाइन से, तो वो एक रिपीटेशन पैटर्न जनरेट कर रहा है। तो ये एक ही एग्जांपल आ गई है, जिसके वॉल्स के ऊपर इस तरह से शेप्स बना के एक साथ लगाए हुए, ये भी एक पैटर्न की एग्जांपल हो गई है। ये सर्कल पैटर्न की एग्जांपल हो गई है। ये आपके शर्ट के डिजाइन भी हो सकते हैं मुख्तलिफ इस तरह के, तो इसके भी एग्जाम्पल हो गए। ये रेडियल पैटर्न्स आ गए इस तरह के, जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होते हैं, कपड़ों के डिजाइनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, और डेकोरेटिव एलिमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। और आप डेफिनेटली बाथरूम की टाइल्स वगैरह भी देख चुके हैं, उसमें भी आपको एक पैटर्न, एक रिदम नजर आ रही होगी, एक थीम बनती है हर चीज की, तो वो भी आपको इधर देख सकती है। अच्छा, ये कलर की रिदम आ गया है, एक के भाई एक ग्रेडियंट कलर यूज हो रहा है, ग्रीन से उठ के ब्लू तक जा रहा है, और एक अच्छे स्मूथ फील के साथ मूवमेंट दिख रही है इसके अंदर। सही है। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं रियल लाइफ एड्स वगैरह जैसे यूज हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर आपको देख रहे हैं कि एक उन्होंने पैटर्न यूज किया हुआ है,
एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, कटे हुए टमाटोज के पीसेस, और उसी से उन्होंने अपना पूरा एक प्रोडक्ट भी जनरेट कर लिया। सही है। अब इधर आपकी वो सिमेट्री वाली बात भी आ रही है कि इधर आपके प्रोडक्ट की इमेज आ रही है जो कि बैकग्राउंड के कलर के साथ थोड़े फेड इन हो रही है और बड़ी सी है, और इसके अगेंस्ट में व्हाइट कलर में उठते हुए दो टेक्स आ रहे हैं टॉप पे और बॉटम पे। एक में कंपनी का नाम आ रहा है और ऊपर एक उसका एक टाइटल आ रहा है। तो ये आपके एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल भी हो गया। इसमें आपके अंदर एक पैटर्न भी आ रहा है, नेचुरल लुक भी जनरेट हो रहा है, और ये कंप्लीट एक बैलेंस ऐड बन गया। सही है। इसकी एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्स के अंदर ये भी एक पैटर्न की तरह चले जा रहे हैं गाड़ियाँ। सही है। जिप बन रही है कि जिप खुल रही है या बंद हो रही है मिनी कूपर्स कार्स की ना, तो पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ फिट हो रही हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है पैटर्न डिज़ाइन का। सही है। इसके अंदर भी आपको कलर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि पूरा बैकग्राउंड उन्होंने ब्लैक में रखा है, उठाने के लिए उन्होंने एक कलर यूज़ किया गाड़ी के ऊपर गोल्डन कलर का, वो आपको अलग से वाजे तौर पर नज़र आ रहा है। सही है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एक ये है जैसे आप कोई भी कोका कोला का कोई भी पोस्टर बैनर उठा लेंगे तो आपने एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि वो हमेशा व्हाइट और रेड के साथ खेलते हैं। इनके तमाम डिज़ाइन के अंदर आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगी। ये इनकी एक थीम हो गई, ये इनका एक पैटर्न हो गया है, ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है कि वो रेड के ऊपर व्हाइट से अपना पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, अपना एड्स बनाएंगे। अच्छा, ये चीज़ आपके पास आइकन्स में भी दिखती है। अब ये सारे आइकन्स बता रहे हैं कि ये एक ही फैमिली के हैं क्योंकि इन्होंने इनके अंदर सिमिलर कलर्स यूज़ हुए हैं, उस कलर्स के अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं हुआ है, उसी से उन्होंने पूरा अपना आइकन का सेट बनाया है। ये हमारे अक्सर वेबसाइट की थीम्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं, एक वेबसाइट में एक यूएक्स इंटरफेस के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि पूरी एक थीम को फॉलो करते हुए बन रही हैं। इसी तरह ये दूसरे आइकन है, इसके अंदर भी दो कलर यूज़ होने, ब्लू, लाइट ब्लू और ग्रीन। ये भी सारे आइकन एक ही पैटर्न के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, एक थीम के अंदर, एक स्टाइल के अंदर, एक रिदम इनका है, आपस में कनेक्टिविटी है। अच्छा, आप थीम आप वेबसाइट के अंदर भी यूज होती हैं, ऐप्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं कि जैसे लॉग इन स्क्रीन हो गया, प्रोडक्ट का पेज हो गया, तो इन तमाम पेजेस के अंदर आप एक चीज कॉमन देखेंगे, ऑरेंज कलर। ये सारा कुछ ऑरेंज कलर के अंदर ही पूरा गेम चल रहा है इसका। तो ये भी एक थीम है, एक पैटर्न की एग्जाम्पल है, पैटर्न नहीं सॉरी, रिदम और थीम की एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, अब ये वेबसाइट है, इसके अंदर भी आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि भाई सब कुछ वाइट और ग्रे है और एक कलर वो यूज कर रहे हैं मोस्टली जो कि है कॉन्ट्रास्ट में चमकता हुआ ब्लू कलर। तो ये ओवरऑल वेबसाइट की थीम बता रहा है कि ये एक थीम है, ब्लूइश कलर की इसकी थीम है, उसके ऊपर ये पूरी पूरी आपकी वेब किट बनी हुई है, आप ये ले सकते हैं और आप अपना प्रोडक्ट इसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। कार की एग्जांपल दी थी, ये देखें बीएमडब्ल्यू के पुराने मॉडल से लेके आज का लेटेस्ट मॉडल भी अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा है, कुछ स्टाइल एक चीज फॉलो होती हुई दिख रही है, जैसे इसके आगे का एरिया हो गया, लाइट्स हो गई, हेडलाइट्स हो गई, रेडिएटर वाली जगह हो गई है, तो ये कुछ हद तक सिमिलर है। काफी टाइम से वो एक चीज चली आ रही है कि कोई भी बंदा अगर अगर लेटेस्ट आज के मॉडल की बीएमडब्ल्यू उठा ले और कुछ 20 साल पुरानी भी उठा ले तो वो देख के फौरन बता देगा कि ये बीएमडब्ल्यू का ही मॉडल है। सही है। अच्छा, एक ये गूगल के प्रोडक्ट की एग्जाम्पल आ गई। अब आप ये देख सकते हैं ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। सही है। इसके अंदर आपको तीन कलर, जो चार कलर गूगल अपना यूज करता है, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ज्यादातर प्रोडक्ट के अंदर ये चार कलर्स आपको नजर आएंगे, जैसे क्रोम हो गया आपका, गूगल होम आ गया, सही है, और ये आ गया गूगल वाईफाई, तो ये कलर यूज हो रहे हैं। और उसके अलावा स्टाइल भी इनका काफी हद तक सिमिलर है जो कि ये बता बता रहा है, दिखा रहा है कि ये एक ही कंपनी के हुड के अंदर आ रहे हैं। सही है, ये एक एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ मैकडोनल्ड्स के एड्स की। आप गूगल पे जाएं, मैकडोनल्ड्स का एड सर्च करें, इमेज के सेक्शन में जाएं, सही है, आप कोई सा भी एड उसका मैकडोनल्ड्स का देख लेंगे तो इसमें भी वो कोको कोला की तरह इनका एक बैकग्राउंड कलर है, उससे नहीं हट रहे। सही है। उनके लोगों का येलो कलर है, वो हर डिजाइन के अंदर आपको वाजे दिखेगा कि वो एक लिमिटेड अमाउंट का येलो कलर यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड में वो फुल फुल
और रेड कॉन्ट्रास्ट रेड यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर वो अपना सारा प्रोडक्ट शो कर रहे होते हैं। तो ये आप कोई सा भी उठा के देख लें, फौरन से आपका दिमाग उस तरफ जाएगा कि भाई ये मैकडोनल्ड्स का ही एड है। सही है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गई हैं रिदम और थीम्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं, इसमें हमने तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, पैटर्न रिपीटेशन भी डिस्कस कर लिया, वर्डप्रेस फिजिकल वर्ड भी डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने इसके कम से कम 3 सेक्शंस तो बनाए, ABC। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजर टाइप ऑफ फॉन्ट्स एंड देयर यूजेज। सही है, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फॉन्ट यूज़ होते हैं और यूज़ होते आए हैं तो वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कोई खास एग्जाम्पल मैंने नहीं यूज़ की है इस पॉइंट की, तो ये मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि दुनिया में जब फॉन्ट बनना शुरू हुए, टाइपफेस बनना शुरू हुए, तो ज़्यादातर सेरिफ स्टाइल के अंदर वो यूज़ हुए। सही है, तो डेफिनेटली पुराना वक्त था तो प्रिंट मीडिया के अंदर वो ज़्यादा इस्तेमाल हुए और आज भी प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है म्यूसियो स्लैब फॉन्ट। ये आप नेट पे जाके गूगल पे भी सर्च करेंगे, गूगल का अपना फॉन्ट है, तो ये आपको मिल भी जाएगा आराम से। सही है, तो ये एक एग्जाम्पल है सेंस सेरिफ फॉन्ट की। मेरे ख्याल से मैंने इसके बारे में एक इमेजेस बना के रखी हुई है, जैसे कि सेरिफ फॉन्ट आप ये देख सकते हैं। सॉरी, जैसे फॉन्ट में ये देखें क्लासिकल डिज़ाइन इस जगह पे ज़्यादातर यूज़ होता है, बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, जो क्लासिक रिलेटेड होते हैं प्रिंट मीडिया से, उसके अंदर ये ज़्यादातर सैरिफ फॉन्ट यूज़ करते हैं। सैरिफ फॉन्ट की खास बात ये है कि इसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े स्टाइलिश किस्म के होते हैं, मतलब उसमें नोके निकली हुई होती हैं, थोड़ा शेप आउट हुआ हुआ होता है। सही है, कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये इसके कांटे हैं जो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये पुराने दौर में जब टाइप फेस लॉन्च हुआ था तो ये एक स्टाइल था जो लोग बहुत फॉलो किया जाता था, बुक्स में भी इस्तेमाल हुआ करते थे। सही है, अब हम आ जाते हैं दूसरे फॉन्ट के ऊपर जो आजकल डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में होता है, वो सेंस सेरिफ आता है। सेंस का मतलब होता है नो या कट कर देना या उसमें से ऑब्सोलीट कर देना, तो ये सेरिफ फॉन्ट के अंदर से सेंस सेरिफ सेरिफ वाली जो चीज़ है वो कट कर दी, तो जो फॉन्ट बचता है तो वो कुछ इस जैसे लुक का आता है, जैसे कि ये मशहूर सेंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। फ्यूटरा हो गया, हेलवेटिका हो गया, डिज़ाइनर बहुत इस्तेमाल करते हैं हेलवेटिका, बेवास न्यू है, ब्रेंडन है। सही है, ये सारे फॉन्ट है। इसके अंदर आप खास बात देख रहे होंगे जो सेंस सेरिफ में था, कॉर्नर पे ना एजेस निकले हुए थे, तो ये बिल्कुल शार्प कट होते हैं और इनमें बहुत क्लैरिटी होती है। फॉन्ट बिल्कुल छोटा करके भी पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होता है और कम से कम पिक्सल में आपको क्लियर फॉन्ट रीडेबिलिटी होती है, इसीलिए इसको डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा माना जाता है और यूज़ किया जाता है। सही है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके तीसरा फॉन्ट स्टाइल, डेकोरेटिव या फ्री स्टाइल। इसके अंदर फिर पूरी दुनिया आ जाती है, ये दो फॉन्ट आके आपके मेन हो गए। अब ये इसके अंदर डेकोरेटिव में आप किसी भी स्टाइल हो सकता है, इसके अंदर आपके पास कॉमन सेंस जैसा आप फॉन्ट देख चुके हैं, सही, स्क्रिप्ट देख चुके हैं, फैंसी हो गया, ये देखें जैसे कि एग्जाम्पल स्क्रिप्ट आ गया, ग्रंच हो गया, फैंसी हो गया, तो ये बेसिकली ये भी बेसिकली थीम बेस्ड होते हैं, एक्सट्रीम थीम बेस्ड कह सकते हैं। जैसे स्क्रिप्ट फॉन्ट एक दौर में ये एक तरीके से यूज होता है क्लासिकल वर्जन को दिखाने के लिए, कोई सिग्नेचर स्टाइल फॉन्ट है तो वो वहाँ पर यूज होता है, ये सारे डेकोरेटिव फॉन्ट्स में कहलाते हैं। फैंसी फॉन्ट हो गया है, एक स्पेशल स्टाइल को फॉलो करते हुए फॉन्ट बना है। इसका एक नुकसान ये होता है कि ये हर जगह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। सही है, और इससे आप पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं लिख सकते क्योंकि ये ज़्यादातर टाइटल्स में यूज होते हैं, हेडिंग्स वगैरह में यूज़ होते हैं, या खुद एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ हो जाते हैं इनके। जैसे एस का शेप है तो आप इसको बड़ा करके किसी कॉर्नर पे यूज़ कर सकते हैं या ऐसे टाइटल बना सकते हैं। सही है, ये जी है, लोगोस के लिए भी बहुत यूज़ हो जाते हैं इस तरह के डेकोरेटिव फॉर्म, लेकिन ये ज़्यादातर जैसे कि ग्रंज है तो ग्रंज से रिलेटेड कोई आपके लोगो के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन आ रही हो कि ग्रिंच टाइप है तो वो दिखा सकते हैं, या इस तरह के स्क्रिप्ट वाले फॉन्ट है जैसे उसके अंदर आपको कोई लोगों के अंदर प्रेजेंट करना है कि कोई थोड़ी क्लासिकल है जो पेन से बना हुआ है, हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट टाइप है, तो उसके अंदर आप ये वाले फॉन्ट डेकोरेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तीनों चीज डिस्कवर हो गई। अच्छा, इसमें यही बता रहे हैं कि भाई टाइटल में और आर्ट वर्क में यूज होते हैं। अब इसका पार्ट 2 आ जाता है, पार्ट बी, जो कि जिसमें डू एंड डोंट्स इन द फॉन्ट्स के क्या चीज़ हम
फॉन्ट्स में करें और क्या चीज़ ना करें। तो ये भाई क्लियर बात है कि जितना कम फॉन्ट आप यूज़ करेंगे आपका डिज़ाइन उतना अच्छा दिखेगा। मैक्सिमम टू टाइप्स यूज़ कर लिया करें फॉन्ट की, सही है, सेंस सेरिफ को सेरिफ के साथ कंबाइन कर लें, या दो सेरिफ वाले फॉन्ट यूज़ कर लिए, दो सेंस सेरिफ वाले फॉन्ट यूज़ कर लिए किसी एक डिज़ाइन के अंदर, तो इट्स इनफ। कोई थीम को दिखाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए लोग कम से कम फॉन्ट यूज, जितना ज़्यादा फॉन्ट यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा पता चलता है कि बंदा नूब है, नया बंदा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो कोशिश करें कि कम से कम फॉन्ट टाइप यूज़ करें मोस्टली। उसका अच्छा दूसरा पार्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप यूज़ करें तो वो इसी के लिए फैमिली यूज़ करें फॉन्ट की। जैसे कि अगर रोबोटो फॉन्ट यूज़ करें तो इसका पूरा एक फॉन्ट फैमिली डाउनलोड कर लिए, जिसके अंदर आपके पास लाइट से लेके बोल्ड ब्लैक तक सारे किस्म के फॉन्ट अवेलेबल है। तो वो ये आपने किसी जगह पर आपको यूटिलाइज करना है तो आप वहाँ पर बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर लिए, कहीं पर आपको इटैलिक यूज़ करना हो रोबोटो का तो इटैलिक यूज़ कर लिया, तो वो काफ़ी अच्छा एक थीम जनरेट करता है, एक रिदम बना देता है डिज़ाइन के साथ। तो ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए। तो उसमें एक ही फॉन्ट होता है, उसकी पूरी फैमिली होती है, उसके अंदर वो हर वेट का फॉन्ट अवेलेबल होता है, जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ी, जैसे पैराग्राफ में जरूरत पड़ी है, जहाँ पर आपको हेडिंग डालने की जरूरत पड़ी है, तो वो एक ही फॉन्ट है, रोबोटो फॉन्ट है या ओपन सैंस है, वो आपने यूज़ कर लिए। बहुत कॉमन फॉन्ट्स हैं ये, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह के फॉन्ट आप यूज़ करें फैमिली वाले, तो वो बेहतर रहता है। और जो नहीं करने की चीज़ है वो ये है कि ज़्यादा टाइप के फॉन्ट ना यूज़ किया जाए, मैक्सिमम दो करें, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें। अब आ जाता है सी पार्ट, थर्ड पार्ट, फॉलो फॉन्ट्स यूजिंग हायरार्की। अच्छा, ये बहुत सारे लोग लैग करते हैं इस चीज़ के अंदर कि भाई फॉन्ट किस तरह यूज़ करना है। अब साइज़ के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं कुछ फॉन्ट, जैसे कि आपके HTML के अंदर टैग्स यूज़ होते हैं H1, H2, H3 के, तीन लेवल के आपके हेडिंग्स हो गई, उसके बाद उससे छोटा आपका पैराग्राफ होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आपका पैराग्राफ आपके हेडिंग के साइज़ का हो, वो बहुत ही बुरा लग रहा होगा, एक अजीब सी लुक जनरेट कर रहा होगा, सही है। उसी तरह वेट होता है कि कहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल्ड दिखाना है तो वो आप बोल्ड फॉन्ट दिखा रहे हैं, या उससे हल्का दिखाना है तो सेमी फॉन्ट, उससे हल्का पे नॉर्मल है, सही है। कहीं पर आपको हाइपरलिंक बनाना है या अंडरलाइन दिखाना है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है रीड करने के लिए, तो आपने एक अंडरलाइन वाला फॉन्ट यूज़ कर लिया, वो स्टाइल यूज़ कर लिया। कहीं पर आप कुछ टेस्टिमोनियल में ज़्यादातर इटैलिक यूज़ होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के, तो वहाँ पे आपने इटैलिक वेट यूज़ कर लिया। तो ये खुद बता रही होती हैं चीज़ें कि भाई कहाँ पे आपकी बोल्ड है तो इम्पोर्टेंट बहुत है, सेमी बोल्ड है लेकिन वो इससे कम इम्पोर्टेंस में आ गया, नॉर्मल है तो ये पैराग्राफ हो सकता है, बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखी हुई टेक्स्ट हो सकते हैं, अंडरलाइन कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी उस पैराग्राफ के अंदर या कहीं कॉर्नर पे, या ये लिंक हो सकता है, इस पर क्लिक हो सकता है, ये चीज़ ये सब कुछ वेट इसी तरह से डिफाइन कर रहा होता है। फिर आपके पास आ जाती है अलाइनमेंट। आप कुछ भी आप बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी डिज़ाइन होता है उसको, या तो पैराग्राफ हो गया तो सेंटर अलाइंड होगा, सही है, तो उसका एक लुक आता है, लेफ्ट अलाइन का एक लुक आता है, राइट अलाइन का लुक आता है, सब एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ जो चीज़ अच्छी लग रही होती है उसको वहाँ यूज़ किया जाता है, कहीं पे पैराग्राफ आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि बिल्कुल एक बॉक्स के शेप में जनरेट हो, वहाँ पे वो लुक अच्छा जनरेट करेगा। तो जब भी आप फॉन्ट यूज़ करें उसको साइजेस के हिसाब से प्लेस करें, वेट्स के हिसाब से प्लेस करें। ये मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज रखा हुआ है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा साइज में आ गया, उसी तरह वेट में भी सबसे पहले सबसे हैवी वेट वाला आ गया, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, सही है। अलाइनमेंट भी इस तरह, कुछ भी टैग, जैसे अब ये पूरे डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है, ये हुआ हुआ है लेफ्ट अलाइन, क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट की तरफ से लिखी जाती है, तो सारा डॉक्यूमेंट हमें लेफ्ट अलाइन के लिए बना के रखा हुआ है। तो अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी, सही है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में, ये सेंट्रल अलाइन की एग्जाम्पल हो गई, ये आपके पास लेफ्ट अलाइन की एग्जाम्पल हो गई, और ये आपके पास राइट अलाइन की एग्जाम्पल हो गई। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर एडिटोरियल कोई मैगजीन लिख पे टेक्स्ट लिख रहे हैं या कि ग्राफिक्स आपके साथ में आ रही है तो फॉन्ट उसी हिसाब से कट हो, इस तरफ अगर कोई ग्राफ है तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट दिख रहा हो, या अगर राइट की तरफ कोई ग्राफिक है तो यहाँ से राइट अलाइन पे टेक्स्ट दिख रहा हो, कहीं पे आप पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हैं तो सेंट्रल अलाइन फॉन्ट की तरफ आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडरस्टैंडिंग फॉन्ट फ्लेवर एंड इम्पैक्ट। हर फॉन्ट का एक फ्लेवर होता है, हर फॉन्ट कुछ बता रहा होता है कि भाई वो क्यों यूज़ होता है, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिफरेबल होता है, तो वो उसका उसकी यूजेज के हिसाब से उस चीज़ को आप इस्तेमाल करें। अगर आपको फॉन्ट ये आपको इस्तेमाल कर करके एक्सपीरियंस से ही गेन हो सकता है कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पे क्या इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है और कौन सा फॉन्ट का क्या फ्लेवर है, किधर वो सबसे ज़्यादा अच्छा लग सकता है। सही है, तो इसको अगर आप डायरेक्टली समझना चाह रहे हैं कि भाई मैं भी वो इतना मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सीधा सीधा जाएं गूगल के जो टॉप ट्रेंडिंग फॉन्ट्स हैं, गूगल फॉन्ट्स के, वहां से जाके आप फॉन्ट्स देख लें। आप ऊपर से उसमें कोई भी स्टाइल या फ्लेवर सेलेक्ट कर लें, तो वो आपको टॉप लेवल के दुनिया में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो फॉन्ट्स आपको निकाल के दे देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप सर्च करें अपने बिजनेस के बारे में कि वो उसके ऊपर कौन सा फॉन्ट सबसे बेस्ट सूट करेगा। कोई बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल का है, तो उसके अंदर आपके पास सेंस सेरिफ के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है, आपको सेंस सेरिफ फॉन्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि रोबोटो, ओपन सेंस वगैरह है, तो वो बेसिकली एक अच्छा डिसेंट कॉर्पोरेट लुक जनरेट कर रहा होता है, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। अगर आपके अगर क्लासिक है आपके बिजनेस के बारे में, कुछ क्लासिक से रिलेटेड हैं स्टॉक्स हैं, तो आप सेंस सेरिफ यूज़ कर सकते हैं। सही है, प्रिंट मीडिया है आपका क्लाइंट है या आपका बिजनेस है, तो प्रिंट मीडिया में सेरिफ फॉन्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो क्लासिक लुक जनरेट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बिजनेस के बारे में जाने, टॉप ट्रेंडिंग आप गूगल से निकाल लें कि भाई कौन से फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल होता आ रहा है, तो वही फॉन्ट आप यूज़ करें। ये तो गूगल बताएगा, वैसे आप अपने एक्सपीरियंस से भी गेन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसके साथ खेलेंगे इस्तेमाल करेंगे आपको उस तरह से इस चीज़ के बारे में समझ आती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है ग्रुपिंग कहलाती है टेक्स्ट की ना, ये थोड़ा हट के। अब जैसे कि टाइटल है, टाइटल के अंदर आपने ग्रुपिंग की हुई है, अब ग्रुपिंग कैसे की हुई है कि यहाँ पे H1 या हेडर आपका हेडिंग आ रही है और साथ में पैराग्राफ आ रही है, तो आपने इसको एक ग्रुप में बना दिया एक लाइन ड्रॉ करके, तो ये एक डिवीजन भी हो गया और एक प्रॉपर ग्रुप बन गया कि इसमें एक हेडिंग है और उसका पैराग्राफ है। उसी तरह एक ये है कि एक आपने ग्रुप ऐसा बना लिया कि आपने बैकग्राउंड कलर अलग रख के उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, ये भी ग्रुपिंग की एग्जाम्पल है। एक ये ग्रुपिंग की एग्जाम्पल है कि एक ऊपर आपने कोई बात लिखी छोटी सी, एक लाइन ड्रॉ किया, उसके नीचे आपने दूसरी बात लिख दी। हो सकता है ये आपका टेस्टिमोनियल हो सकता है, या किसी की सेइंग हो सकती है कि किसी ने किसी के बारे में बात की, या किसी ने किसी को सवाल किया तो उसका ये जवाब आया, तो एक इस तरह के ग्रुपिंग के का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप अपने फॉन्ट को एक अच्छे लुक दे सकते हैं, डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइपोग्राफी और फॉन्ट को समझना अक्सर डिज़ाइनर इसमें लैक करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं सारी चीज़ पॉइंट रिपीट कर दूँ, तीन टॉप लेवल के फॉन्ट यूज हो रहे होते हैं, वैसे टॉप लेवल तो नहीं कह सकते कि बस होते ही तीन टाइप के हैं, या तो सेरिफ होता है या सेंस सेरिफ होता है या डेकोरेटिव होता है। सही है, इसके अलावा फॉन्ट्स नहीं होते हैं, जितने भी टेढ़े कुबड़े अजीब अजीब स्टाइल के वो सब डेकोरेटिव में आ गए। सही है, जो डिजिटल में यूज हो रहे हैं सीधे सीधे फॉन्ट जिसके कोई नोके वगैरह नहीं है, वो आपका आ गया सेंस सेरिफ के अंदर। सही है, और सेरिफ वो फॉन्ट हो गया जिसके आगे थोड़ी थोड़ी सी नोक या स्टाइल बने हुए हो। सही है, फिर आ गया डू एंड डोंट्स, क्या चीज करनी चाहिए फॉन्ट्स में, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। भाई सबसे कोशिश करो कम से कम फॉन्ट स्टाइल यूज करें कोई भी डिजाइन के अंदर, ताकि उसकी एक रिदम एक स्टाइल बाकी रहे। ज्यादा फॉन्ट्स होंगे मिक्स मिक्स प्लेट बन जाएगा, और वो आपको बता रहा होगा कि आप कोई एक प्रोफेशनल नहीं है, आपने बस आपको अच्छा लग रहा था आपने इसलिए चार फॉन्ट इस्तेमाल कर लिए। कोशिश करें कम से कम फॉन्ट इस्तेमाल करें, अगर फॉन्ट आपको इस्तेमाल करना ही है तो फॉन्ट फैमिली यूज करें, वो एक थीम एक रिदम को फॉलो करते हुए बनाई जाती है और वो आपके डिजाइन को और ओवरऑल को चार चांद भी लगा देती है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हायरार्की फॉलो करना है, हायरार्की में आपको साइजेस फॉलो करने हैं, सारे साइजेस के हिसाब से आप एडजस्टमेंट करेंगे फॉन्ट की, वेट के हिसाब से एडजस्टमेंट होगी, और उसके बाद ओवरऑल जो पैराग्राफ जो पूरे पूरे ग्रुप्स बन रहे होंगे उसके अलाइनमेंट के हिसाब से फॉन्ट अच्छे लगते हैं डिजाइन के अंदर। सही है, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट के भाई अपने फॉन्ट को समझने की कोशिश करें कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पे सबसे बेहतर लगेगा, किस बिजनेस को सबसे ये वाला फॉन्ट सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए।
तो बेसिकली हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे टॉपिक्स कवर अप कर ली, जिसके अंदर बैलेंसिंग के बारे में हमने पहले जाना, फिर हमने कॉन्ट्रास्ट के बारे में, थीम एंड रिदम के बारे में जाना, और फाइनली हमने फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर ली, चीज़ों को समझने की कोशिश की है। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। तो चलते हैं फिर हम मेन स्क्रीन की तरफ। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास? विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, टाइपोग्राफी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी दी जाए टूल स्टार्ट करने से पहले। तो ये सब चीज़ें आपको लिए क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो ये आगे चल के प्रॉब्लम करेगी। तो ये सारी थ्योरेटिकल क्लासेज हैं आज, बेसिकली स्क्रीन के ऊपर सारी आपको समझाने की कोशिश की है विजुअली। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम अपने चौथी क्लास की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप डिज़ाइन।